Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to discussion video of Cooperative Inspector paper just अभी आपका 11th September को ही होकर हटा है। I'm hoping कि सभी का paper अच्छा हुआ होगा, किसी ने भी silly mistakes नहीं की होंगी। आज हम करने वाले हैं discussion video of that paper कि official answer की जो PPSC के द्वारा release की गई है उसमें और जो actual answers हैं उनमें कितना discrepancy है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हमें उठानी है कि नहीं उठानी है, तो उसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा था। देखो जो पेपर का लेवल है दैट इज काइंड ऑफ मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में ये लाया करता है। जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी जिससे भी जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन यस पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि हम जब बैठते हैं पेपर देने के लिए तो हल्का सा और माइंड पर प्रेशर रहता है। तो पेपर का जो लेवल है वो हम मानते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड कट ऑफ व्यू से हिसाब से फिर हम लोग प्रेडिक्ट भी करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन हैं उनके क्या आंसर्स होने चाहिए थे और क्या आंसर्स की में दिए हुए हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल। बेसिकली क्या है इसमें, संथर रेबेलियन दिया हुआ है, इंडिगो रिवोल्ट दिया हुआ है, सन्यासी रेबेलियन है और मुंडा रेबेलियन है। बेसिकली क्या है, आपको पता हो कि संथल रेबेलियन है अराउंड 1855 का रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट 1859 का रिवोल्ट, सन्यासी अराउंड 1770s का और मुंडा रेबेलियन आपका 1899। तो इसको अगर हम लगाएं फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि क्रोनोलॉजिकल में सबसे पहले कौन सा था और बाद में कौन सा आया है, तो सबसे पहले है आपका सन्यासी रेबेलियन 3, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 4, 3, 1, 2, 4। तो आंसर शुड बी ए, बट आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज बी। अगर हम सेट ए की बात करें तो उसमें आंसर बी दिया हुआ है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेट्स को लेकर ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। तो आंसर शुड बी ए बट गिवन आंसर इज बी, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अंडर हुज लीडरशिप वॉज अ मिशन सेंट टू काबुल बाय लॉर्ड ऑकलैंड। तो आंसर दिया हुआ है इसका अलेक्जेंडर बर्न्स, तो ये आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। इनके ही जो लॉर्ड ऑकलैंड थे उन्होंने ही अलेक्जेंडर बर्न्स के लीडरशिप के अंडर एक जो मिशन है वो भेजा था, तो आंसर इज ए। सेकेंड, इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ हिज कमांडर इन चीफ। वट वॉज द नेम ऑफ कमांडर इन चीफ। देखो मीर जाफर है, मीर कासिम है, बेगम ऑफ अहुद है और आपका रेजा खान है। आंसर है इसका आपका मीर जाफर। आंसर की में भी आंसर दिया हुआ है और इसका एक्चुअल आंसर भी आपका ए ही है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड एंड एडिटेड द थ्री इंपॉर्टेंट पेपर्स दैट इज द पंजाबी, वंदे मातरम एंड द पीपल। पताबी सीतारमैया, अनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और लाला लाजपत राय। तो आंसर इज लाला लाजपत राय। इन्होंने ही तीनों पेपर्स को इस्टेब्लिश भी किया था, एडिट भी किया था। तो आंसर की में भी आंसर इसका डी ही दिया हुआ है और आंसर भी इसका डी ही है। चलो नेक्स्ट है, अरेंज दी फॉलोइंग। और अगेन हमें इसको अरेंज करना है फ्रॉम द लेटेस्ट, फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अगर हम क्लीमेंट्स एटली की बात करें तो इसका डेट है अराउंड 20th of February 1947। डायरेक्ट एक्शन डे था ऑन द अदर हैंड वॉज 16th of August 1946, जिसमें जिन्ना ने कहा था कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे अगर पाकिस्तान की डिमांड हमारी फुलफिल नहीं होती है। तो थर्ड है आपका, कांग्रेस लेड इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड एट द सेंटर विद जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया। इसका है अराउंड आपका 2nd of September 1946 और जो आपका माउंटबेटन प्लान है दैट इज अराउंड 3rd of June 1947। और अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं सबसे पहले आता है आपका 16th of August 2, फिर आता है आपका 1946 में ही ये 3, फिर है आपका February 1 और फिर है 4, 2, 3, 1, 4। आंसर इज ए और आंसर गिवन भी जो है आंसर की में दैट इज ए, तो ये ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट, नेम दी सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड द रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त 2। ह्योनसांग, फाहीन, वांग हुनसे और चोइन लाई। तो इसका आंसर है आपका फाहीन और आंसर भी इसका फाहीन ही है। आंसर की में भी इसका ऑप्शन बी ही सही दिया हुआ है, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक सेट अप अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए कोही फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, सिटीज, टाउन्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। तो आंसर है इसका एग्रीकल्चर। इसका आंसर सी दिया हुआ है और सी ही इसका आंसर भी है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ उड़ीसा इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला प्रेजेंट। महेंद्रगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी और गोराधगिरी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हैं आपकी उदयगिरी केव्स में।
तो ऑप्शन सी इज द आंसर, और आंसर की में भी इसका सी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिरदौसी द राइटर ऑफ शाहनामा वॉज द पोएट लॉरेट ऑफ द कोर्ट ऑफ विच रूलर, महमूद गजनवी, महमूद गौरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है आपका महमूद ऑफ गजनवी। तो आंसर इज ए, और इसका आंसर भी आपको ए ही दिया हुआ है, तो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रूलर हु गेव परमिशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री एट सूरत वॉज अकबर, फारूक शियार, आपका शाहजहां या फिर जहांगीर। सबसे पहले जब इंग्लिश कंपनी जो है इंडिया में आई थी, तो जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहले उनको जो आपकी परमिशन है वो दी गई थी कि आप अपने इंडस्ट्रीज इंडिया में लगा सकते हैं, फैक्ट्रीज इंडिया में लगा सकते हैं। तो आंसर इज डी, जहांगीर, और ऑप्शन में भी आपका डी ही दिया हुआ है, आंसर की में भी तो सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया, डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या पोर्चुगीज कंपनी। देखो चारों ही इंडिया में आई थी, बट जो ब्लू वाटर पॉलिसी है दैट इज अडॉप्टेड बाय द पोर्चुगीज कंपनी, क्योंकि बेसिकली जो पोर्चुगीज थे वो अराउंड आपके श्रीलंका इंडोनेशिया वाले आइलैंड में ही थे। इनका जो मेन पर्पज था दैट वॉज द ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस, तो वाटर वाले एरिया में किसी और की हेजेमनी ना क्रिएट हो सके, तो इसीलिए अल्टीमेटली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाटर पे, काफ़ी ज़्यादा इंडियन ओशन में अपना पहुँच बनाए रखने के लिए वो पॉलिसी निकाली थी। तो आंसर डी है, और इसका आंसर की में भी डी ही दिया हुआ है, तो वो सही है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हु अमंग दी फॉलोइंग डाइड ड्यूरिंग दी हंगर स्ट्राइक बाय भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स इन जेल, जतिन दास, शिव वर्मा, खुदीराम, मास्टर अमीर चंद। तो आंसर इसका जतिन दास, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इसका आंसर की में भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कॉमनल अवार्ड 1932 में थे, जिनको हम लोग मैकडोनल्ड्स अवार्ड्स भी के नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन 1927, कैबिनेट मिशन 1946, और विविल प्लान था आपका 1945 में। अगर हम इसको लगाएं क्रोनोलॉजिकल वाइज, तो फर्स्ट है आपका 2, फिर है 1, फिर है 4, फिर है 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी इज दी आंसर, और आंसर की में भी आपका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है, तो सही दिया हुआ है आंसर, इसको हम सही मानेंगे। नेक्स्ट, विंटर डीजल इज अ स्पेशलाइज्ड फ्यूल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विंटर डीजल। देखो ये जो डीजल है बेसिकली एक जो डीजल नॉर्मली होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना सर्दियों में व्हीकल को शुरू करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वैसे ही लद्दाख वाले एरिया में, कारगिल वाले एरिया में टेम्परेचर नॉर्मली लो ही रहता है, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल आता है, उसको हम कहते हैं विंटर डीजल। तो इसका आंसर है आपका डी, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स एंड लो टेम्परेचर रीजन्स सच एज लद्दाख वेयर ऑर्डिनरी डीजल कैन बिकम अनयूजेबल। तो ये ध्यान रखेंगे, और इसका लोअर सीटेन रेटिंग भी नहीं होती है, इट इज हाई सल्फर कंटेंट भी नहीं होता है, है ना। तो इसमें हम लोग पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, उसकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान कर लेते हैं कि यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और एक क्यों लेकर आया जाता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, वो हम इसी में स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, और आंसर की में भी आपका ऑप्शन डी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, एन अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय द लोअर हाउस इज डिस्कस बाय द राज्यसभा, डिस्कस तो किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, इज मॉडिफाइड बाय राज्यसभा, नहीं मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है आपका एक मनी बिल है, तो राज्यसभा इसको मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए दोबारा से लोकसभा में उसकी जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते वो। अल्टीमेटली लोकसभा अगर मानती है उनकी मॉडिफिकेशन तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज खुद मॉडिफाई नहीं कर सकते। इज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, इसको पास करना ही पड़ेगा, और अगर पास नहीं करेंगे तो 14 डेज के अंडर उसको हम लोग पास मान लेंगे। इस पास बाय राज्यसभा, पास कर सकते हैं क्योंकि पास तो हमें करवाना ही दोनों हाउसेस से, तो डिस्कस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, यही दो इनके पास पावर है, खुद मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते। ठीक, तो पूछा है करेक्ट के बारे में, तो ऑप्शन 1 और 4 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज दी आंसर, और आंसर की भी इसका आंसर बी ही दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज टू PAC, नॉर्मली हम कहते ना कि जो कैग है उसकी हेल्प के लिए PAC काम करती है, सरकार का जो पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है उसको देखती है कि कौन सा पैसा कहाँ पर गया है, क्या सही जगह पर पैसा लगा है कि नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है सी, दैट द अमाउंट्स शोन इन द अकाउंट्स एज हैविंग बीन डिसबर्स्ड वर लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस और पर्पस फॉर विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज।
कि जो पैसा जिसको दिया गया था वो लीगली दिया गया है, वो उस पर वो पर्सन उस पैसे को डिजर्व करता था लीगली तरीके से. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी दैट द एक्सपेंडिचर कन्फॉर्म्स टू द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट. ये बात ठीक है कि अल्टीमेटली जिस अथॉरिटी को पैसा दिया गया है वो बताती है कि हाँ हमने इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया है. सी दैट एवरी री अप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड इन द बिहाफ अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ये भी बात सही है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हिसाब से ही जो रूल्स बनाए गए हैं वो दोबारा से री अप्रोप्रिएशन भी कर सकती है. ये भी सही स्टेटमेंट है. कंसिडर दैट द रिपोर्ट ऑफ द सी ए जी इन केसेज वेर द प्रेजिडेंट मे हैव रिक्वायर्ड हिम टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एनी रिसीट और टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक्स. यही बात सही है कि जो आपका सी ए जी है वो बोल सकता है और प्रेसिडेंट भी इनको ये बोल सकता है कि आप इन स्टॉक्स को, इन शेयर्स को या फिर इन पूरी कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं उनकी जो रिसीट्स है वो हमें सही करके दो और बताओ कि पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, कहाँ पर खर्च नहीं हुआ है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी. पूछा क्या है करेक्ट, तो इसमें चारों ही करेक्ट हैं. तो आंसर है आपका डी, ऑल आर करेक्ट. और अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की में भी इसका आंसर डी ही दिया हुआ है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट है. इन कनेक्शन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1937. ठीक बात है. द एक्ट लेड डाउन दैट द हाई कोर्ट वुड बी कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 जजेस ऑफ हुम वन वुड बी चीफ जस्टिस. ठीक बात है. इसमें 1+2 का जो नंबर था वो आ गया था. द एक्ट इंश्योर्ड द प्रोविजंस ऑफ ऑल एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज. ये भी बात सही है. एक पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से चीजें हम लोग लेकर आए थे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से. अकॉर्डिंग टू द एक्ट गवर्नर जनरल इज ओनली रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ये ओनली शब्द आ गया है ना, तो ये चीज गलत है. जहां पर भी ओनली शब्द आता है, ऑलवेज शब्द आता है, उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ट्रिक होती है, उसको समझना होता है हमें. तो ओनली नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता था बट हमेशा नहीं. डिस्क्रिशनरी पावर्स भी इनके पास रहती है नॉर्मली. ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पूछा क्या है आपसे करेक्ट, तो ओनली 1, 2, and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन बी इज द गिवन आंसर और आंसर की में भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है, तो इसको हम सही मानेंगे. नेक्स्ट, हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है. अगर देखो पता है हमें लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन. लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत फेमस है इनके लिए. वेलजली सब्सिडरी अलायंस के लिए बहुत फेमस है. लॉर्ड क्लाइव डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग. 1 का है 4, अगर हम ए का 4 देखें तो ये दो तो कल खत्म हो जाते हैं. और बी का है लॉर्ड वेलजली 1, तो बी का है 1, तो ये स्टेटमेंट चला गया और ये ऑप्शन आपका रह गया बी. तो आंसर इज बी और आंसर की में भी इसका आंसर बी ही दिया हुआ है, तो सही है ये. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड बैंक यूनिट. आईएफसी है. हमने पहले भी क्या हुआ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें 5 चीजें आती थी. आईबीआरडी है, मीगा है, आईडीए है, आईएफसी है और आपका आईसीएसआईडी था. तो आईएमएफ इज नॉट अंडर द वर्ल्ड बैंक क्योंकि ये बिल्कुल अलग फंड है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है. ये जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसका पार्ट है. मीगा इसका पार्ट है. तो बी इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ऑप्शन बी इज द आंसर और आंसर की भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, मार्शल प्लान वॉज अ यूएस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. हु वॉज द यूएस प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द मार्शल प्लान. आइजनहावर, रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन या हैरी एस ट्रूमैन. तो आंसर वॉज हैरी एस ट्रूमैन और आंसर की में भी इसका ऑप्शन डी ही दिया हुआ है. दैट इज स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट, नाफ्टा वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू ट्रेड अग्रीमेंट इन 2020 कॉल्ड. इसका आंसर है UMMCA, जिसमें USA, मेक्सिको और कैनेडा तीनों ने ही एक अग्रीमेंट साइन किया है. तो ये न्यूज में था काफी, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है हमारा. ऑप्शन बी इज द आंसर और आंसर की भी ऑप्शन बी ही इसका आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर फॉर्म्ड थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ देयर बेटरमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन. ठीक बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें काफी सारे जो लोग हैं जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इकट्ठे होते हैं, पैसे जमा करते हैं और पैसे जमा करके अपना नया कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एट पंचायत लेवल्स टू असिस्ट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल डेवलपमेंट. देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है बिजनेस करना. दे आर काइंड ऑफ स्टार्टअप्स. दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
पूछा क्या है करेक्ट, तो ओनली वन इज करेक्ट, तो आंसर शुड बी ए, और आंसर में भी इसका आंसर आपका ए ही दिया हुआ है, तो दैट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, करेक्टली अरेंज दी फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ लैटिट्यूड टू साउथ लैटिट्यूड. देखो ये सीधा क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से, जिसमें अंडमान और निकोबार की हम लोगों ने बात करनी है. अंडमान में ही नील आइलैंड है, रॉस आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, बैरन आइलैंड है, ये तीनों न्यूज में थे क्योंकि इनका नाम चेंज किया गया था अभी 2-3 साल पहले. तो आपको ये पता है अगर कि जो बैरन आइलैंड है वो इन तीनों से ऊपर है, क्योंकि बैरन और नारकोंडम आइलैंड जो हमारे वोल्केनिक आइलैंड है वो काफी थोड़े से ऊपर रह जाते हैं. तो अगर आपको ये भी हल्का सा आइडिया था तो फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट में नॉर्थ टू साउथ है ना, तो सबसे पहले फोर ऑप्शन आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन इज 4-3-1-2. बट था ये मैप का क्वेश्चन, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी नहीं बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि चारों स्टेटमेंट्स अभी तो हमें पता है कि आंसर की इसका आंसर ये दिया हुआ है, बट वहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है. तो मैप बेस्ड क्वेश्चन था, बट इसका आंसर इज सी, तो आंसर की इसका आंसर सी ही दिया हुआ है, तो दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द इमिग्रेशन लॉज इन इंडिया. अ पर्सन हु वाज बोर्न इन इंडिया शैल बी कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ कंट्री. ठीक बात है, यहाँ बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है. Either of whose parents are born in India shall be considered a citizen of the country. ये भी बात सही है. A person who has been ordinarily resident living in the Indian territory for not less than 5 years shall be considered a citizen of India. ये by residentship है, by naturalization की भी हम बात कर लेते हैं. Those who have invested a sum of 5 crore rupees in India shall be considered a citizen of India. इंडिया में अभी जो सिटीजनशिप है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोगों ने शुरू नहीं करी है. बाकी और सारी कंट्रीज हैं, टूरिज्म बेस्ड जो कंट्रीज हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी पैसे अगर चाहिए होते हैं और आप पैसे दे देते हैं तो यू आर कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. बट इंडिया में अभी तक वो जो रूल है वो फॉलो नहीं हुए हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कितने भी पैसे, यू कैन नॉट बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट थ्री आर करेक्ट. ऑप्शन है आपका डी, तो ऑप्शन है, आंसर है आपका ऑप्शन डी, और आंसर ये भी इसका आंसर डी ही दिया हुआ, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग ग्रीन रेवोल्यूशन आपका एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस क्यूरियन. तो अगर हमें ये दो भी पता है तो ए का है आपका 2 और बी का है आपका 4, तो ऑप्शन सी इज दी आंसर, और आंसर ये भी इसका ऑप्शन सी ही दिया हुआ है. अगर हमें दो ही पता है तभी मेरा आंसर सी निकल जाता है, अदरवाइज ब्लू रेवोल्यूशन इज अरुण कृष्णन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन इज निरपक टुटेज. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. रोहतांग पास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं है, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है. चिल्ला मोतीचूर ये आपका एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है. इंदिरा गांधी का राजस्थान वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं है, इरीगेशन के लिए बहुत फेमस है. बिनसार व्यापक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, और ये काफी न्यूज में था इसलिए काफी पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, और आंसर ये भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स इन द क्रॉप ऑफ मेज वीट पैडी या ग्राम. तो एज अ फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को इन द पैडी फील्ड, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा हमें पानी ज्यादा चाहिए होता है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दे आर वेल सर्वाइवर इन दी इन द इनंडेटेड एरियाज जिसमें पानी काफी जमा हो जाता है. तो यस वी यूज दीज काइंड्स ऑफ एल्गी इन दी पैडी क्रॉप, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, और आंसर की भी इसका ऑप्शन सी ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, द मैक्सिमम टाइडल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया इज इन गल्फ ऑफ खंबात, गंगेटी डेल्टा एंड सुंदरबंस, अलोंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ चेन्नई. तो चारों में से देखो, चारों में टाइडल एनर्जी के पोटेंशियल्स हैं, बट सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं गल्फ ऑफ खंबात में, या गल्फ ऑफ कैम्बे भी आप इसको बोल सकते हो, गुजरात वाले एरिया में. तो ऑप्शन ए इज द आंसर, और आंसर की भी इसका आंसर ए ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच गोल इज पर्टिनेंट टू मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव सेफ रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल. यहाँ पर हम सिटीज की बात करते हैं. सिटीज में हमने देखा है कि जो SDG 11 है, गोल 11 इज द आंसर, तो ऑप्शन ए भी आंसर की में दिया हुआ है, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. बट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का ये गलत भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो बट इसका आंसर ए है, तो ये थोड़ा सा पेपर जो है आपका फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों का एक अमालगमेशन सा है, जिसमें मोर पार्ट इज टुवर्ड्स फैक्चुअल, कंसेप्ट्स कम हैं, फैक्चुअल्स ज्यादा हैं, इसीलिए जो कट ऑफ है वो भी उसके हिसाब से ही फिर ऊपर नीचे होगी आपकी. ठीक, नेक्स्ट,
Which of the following is a landmark international agreement designed to protect the stratosphere ozone layer? Stockholm Declaration नहीं है इसकी, Montreal Protocol है, Geneva Convention नहीं है, Bern Convention नहीं है, तो property rights के लिए है. तो answer is B, Montreal Protocol 1987 में हम लोगों ने इसको किया हुआ है बहुत बार कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFCs और HEFCs को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय HFCs. तो ऑप्शन बी इज द आंसर और ऑप्शन बी ही आंसर की में आपका दिया हुआ है आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्पीशी दैट इज हाईली कनेक्टेड टू द एंटायर फूड वेब एंड हैज एंड हुज लॉस मे रिजल्ट इन द इकोसिस्टम कोलैप्स? लिमिटिंग स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, वाइटल स्पीशीज, टॉप स्पीशीज. तो आंसर इज कीस्टोन स्पीशीज. फॉर एग्जांपल किसी भी इकोसिस्टम में अगर ये स्पीशी चली गई तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर इज बी और आंसर की भी इसका आंसर बी ही दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो नोन एज नीलगिरी, सह्याद्री, जनामलाई हिल्स, कार्डमन हिल्स. देखो ये तो हिल्स ही हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं सह्याद्रीज. तो ऑप्शन बी इज द आंसर और आंसर की भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है. अदरवाइज अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो अनामलाईज, नीलगिरीज जो हैं, कार्डमन हिल्स जो हैं, ये आपकी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है. बट तमिलनाडु में और केरला में कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है. बट मेजर जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का वो आपका सह्याद्रीज, खास करके महाराष्ट्र में इसको जानते हैं हम लोग ऐसे. तो अगर दोनों में कन्फ्यूजन भी है तो सह्याद्रीज ही जो है आपका आंसर्स इंक्लूड होगा. ठीक, नेक्स्ट, अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स कोल्ड डीप वाटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशन, वेयर एज द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन get there from the water surrounding Antarctica. This is the result of which of the following phenomena? देखो यहाँ पर हम water की temperature की बात कर रहे हैं, warm और cold होने की. ला नीना जो एल नीनो है, these are the phenomena जो कि आपके मानसून से related हैं और ये कभी कभी होते हैं. Normally जो ये आपकी चीज़ें हैं ये हमेशा होती हैं, तो ये दो चीज़ें temporarily phenomena हैं, तो इसको तो हम वैसे ही neglect कर देंगे. बाकी बचा आपका ओशन कन्वेयर बेल्ट. ये कन्वेयर बेल्ट है जो कि अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में ओशंस का जो टेम्परेचर है उसको देखती है कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, कहाँ से वाटर अपवेल होता है, कहाँ वाटर डाउनवेल होता है. तो उसके हिसाब से अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन का टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है. तो ऑप्शन सी, थ्री ओनली इज द आंसर, जिसमें हम ओशन कन्वेयर बेल्ट की ही बात करते हैं. तो आंसर की में भी इसका आंसर थ्री ओनली ही दिया हुआ है, तो दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पृथ्वी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है आपका, दोनों गलत हैं. नाग एंटी टैंक मिसाइल ये सही है, पिनाका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, पिनाका इज आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर. तो ओनली थ्री इज द करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन ए इज द आंसर और आंसर की भी इसका ऑप्शन ए ही आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट, अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अ पोर्शन ऑफ द अर्थ इज एनगल्फ्ड इन अ शैडो cast by the moon which fully or partially blocks sunlight. At which phase of the moon do solar eclipse occur? देखो normally solar eclipse की अगर हम बात करें तो जब earth और sun के बीच में आ जाता है आपका moon, उसको हम कहते हैं solar eclipse. और जब ये बीच में आता है तो this time of the month is called the new moon. अमावस्या का जो time है that is the new moon. ठीक, तो answer is B, इसी time पर जो आपका सोलर इक्लिप्स पूरा आकर होता है. फुल मून का टाइम क्या है, जब अर्थ और सन यहाँ पर है और मून यहाँ पर है, तो ये तो आपका इक्लिप्स बनाता ही नहीं. ठीक, तो दैट आंसर इज बी, न्यू मून, और आंसर की भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, नासा इज पार्टिसिपेटिंग इन न्यू इंटरनेशनल मिशन टू मार्स, द 2020 एक्सो मार्स रोवर एंड सर्फेस प्लेटफॉर्म विल हेल्प अंडरस्टैंड इफ लाइफ वॉज एग्जिस्टेड ऑन मार्स. ओके, वॉटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मार्स, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स, या नन ऑफ दी अबव. देखो नॉर्मली जो है हम लोग चाहते हैं कि पहली बात तो मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है. तो जब एक्सो मार्स मिशन है नासा का, उसका भी यही एक ऑब्जेक्टिव है इस टाइम पर कि क्या आपकी मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है. उसके बाद हम लोग मिनरल्स लेकर आएंगे या फिर वाटर लेकर आएंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा रिसर्च मांगती हैं. इसके लिए हमारे पास अभी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है. तो शुरुआत में तो हम कम से कम चाहते हैं कि क्या मार्स पर लाइफ थी या नहीं थी, ये हमें पता लग जाए. तो ऑप्शन ए इज द आंसर और ऑप्शन ए ही आपका आंसर की में दिया भी हुआ है.
Next, LPG used in domestic setups in kitchens is actually which of the following gas? The answer is butane and propane. बहुत ही direct question है. Option C is the answer. और answer की भी इसका option C ही दिया हुआ है. Next, ever rising emissions of greenhouse gases is considered as the major cause of global warming and climate change. Which of the following statements is correct with respect to the greenhouse effect in the atmosphere? देखो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि जब कोई भी सरफेस से जब टीआर वापस जा रही है तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उस टीआर को एब्जॉर्ब करती हैं और दोबारा से रीएमिट कर देती हैं, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर. इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है आपकी, टीआर को ही हम लोग बोलते हैं. तो ऑप्शन डी इज द आंसर और आंसर की भी उसका ऑप्शन डी ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जीनोम वॉज द फर्स्ट टू बी सीक्वेंस्ड. आंसर इज राइस. राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसका हम सीक्वेंस पहले पूरा बना रहे हैं और इसके हिसाब से उसमें जो जीन्स रहेंगे उसको मॉडिफाई करेंगे. उसमें अगर कोई डिजीज लगती है तो डिजीज वो नहीं लगेगी. जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटीज को हम इंक्रीज करेंगे. तो पहले हम सीक्वेंस कम से कम बना लें. तो पहले हम राइस का बनाएंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे. नेक्स्ट, UPOV refers to which of the following? International Union for the Protection of New Breeds of Animals, animals के लिए नहीं है ये. Of New Strains of Microbes, उसके लिए भी नहीं है. Conservation of Nature, IUCN तो है ही आपके लिए organization. International Union for the Protection of New Varieties of Plants, तो option D is the answer. और answer की भी इसका option D ही दिया हुआ है, तो इसको ही हम लोग सही मानेंगे. चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. देखो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके खाने में होनी चाहिए, बट जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज बेसिकली एंड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो ऑप्शन ए इज द आंसर एंड ऑप्शन ए ही आपका गिवन आंसर भी है. नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद फूड. एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन या गैस्ट्रिक जूस. तो आंसर इज एमाइलेस और ये भी आपका आंसर की में ए दिया हुआ है. दैट इज करेक्ट ऑप्शन. एमाइलेस ही ऐसा एंजाइम है जो कि हम लोग फूड के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स मेजर्ड इन फ्लॉप्स. ये ठीक बात है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड. बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, इसलिए हम फ्लॉप्स में इसको मेजर करते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. मिप्स, मिप्स में नहीं करते, अगेन वही फ्लॉप्स में करते हैं ना. अगर फ्लॉप्स में कर ही रहे हैं तो मिप्स में क्यों करेंगे. तो ऑप्शन दिस इज रॉन्ग. परम 8000 इज अ सुपर कंप्यूटर. ये सही बात है. अभी रिसेंटली इंडिया ने परम 8000, परम सिद्धि, परम सूत्र, इन सबको हम लोगों ने अभी स्टैब्लिश किया है. तो परम सीरीज इज द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. तो 1 and 3 आर करेक्ट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो आंसर की भी इसका ऑप्शन सी ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, थ्रू ईमेल एन अनऑथराइज्ड पर्सन आस्क्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर. व्हाट काइंड ऑफ साइबर अटैक इज दिस. दैट इज अ काइंड ऑफ फिशिंग. फिशिंग में होता है बेसिकली अगर आपकी कोई जो मनी है उसको स्टील करना चाहता है, अगर तो क्रेडिट कार्ड है आपका उसके पास या पिन नंबर है, तो अगर वो जानना चाहता है तो आपका जो पैसा है वो निकल सकता है फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स. तो उसको हम कहते हैं फिशिंग. तो ऑप्शन सी इज द आंसर और ऑप्शन सी ही इसका आंसर भी गिवन है. नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट इंपैक्टिंग एनवायरनमेंट नेगेटिवली. ओके, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन फोकसिंग ऑन द ग्रोथ. इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज. GDP इंक्रीजेस ओइंग टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. देखो GDP की बात तो हम करते ही नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे चला जाता है. इकोनॉमिक डिसीजंस जो है आपके डिमांड सप्लाई को ना लेकर बल्कि एनवायरमेंट को भी अकाउंट में रखते हुए लिए जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फोकसिंग ऑन द ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हम डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रोथ कैन बी नेगेटिव, ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव. और सिर्फ इकोनॉमिक हम डिसीजंस नहीं लेंगे रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये है आपका कि डेवलपमेंट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बट एनवायरमेंट पर नेगेटिवली कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो ऑप्शन ए इज द आंसर और आंसर की भी इसका ऑप्शन ए ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, द फर्स्ट रोबोट सिटीजन अ ह्यूमनॉइड. रोबोट इज नेम्ड एज, आंसर इज सोफिया. काफी न्यूज में रहे हैं काफी पिछले एक साल में, तो आंसर इज सोफिया और आंसर की में भी इसका ऑप्शन सी ही दिया हुआ है. नेक्स्ट, ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड
project aims to provide seamless connectivity for regional integration of the 5 countries. देखो eastern water based connectivity transport है, तो इसमें जो आपकी वो वाली countries हैं, अफगानिस्तान हो गई, ये तो चली गई, तो जहां पर अफगानिस्तान आ गया है वो ऑप्शन चला गया आपका, ये चला गया आपका, बाकी बच गए आपके तीन, ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स। देखो मालदीव्स भी हल्का सा, काफी ज्यादा कनेक्टिविटी की पर हम नहीं बात कर पाते हैं क्योंकि आइलैंड एक कंट्री है वो। ये है आपका आंसर, म्यांमार और बांग्लादेश से स्पेशली हम चाहते हैं कनेक्टिविटी बन जाए हमारी, सो दैट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको हम लोग कनेक्ट कर सके विद द मेनलैंड इंडिया। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, और आंसर की में भी इसका ऑप्शन सी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर जो भी बेल ऑर्डर्स हैं, जो भी स्टे ऑर्डर्स हैं, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, तो दैट प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर दैट। आंसर इज बी, आंसर ये भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी कमीशन द न्यू नेवल स्टेशन INS कुहासा इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर व्हाइट बेलीड सी ईगल। काफी ये है तो काफी पुरानी न्यूज, 3-4 साल पुरानी न्यूज है, INS कुहासा जब हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था उस टाइम का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है अभी, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, और आंसर की भी इसका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ वन ईयर और 1.5 साल के भी जो करंट अफेयर है वो अब सफिशिएंट नहीं हो रहा है पेपर्स के लिए, तो जो पेपर का लेवल रहेगा उसके हिसाब से हम आगे की जो स्ट्रेटजीज रहेंगी उनको प्लान करेंगे। ठीक, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज प्रपोज टू बैन द सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स फ्रॉम द ईयर 2030। आंसर इज यूके, यूके ने कहा है 2030 के बाद कोई भी जो व्हीकल है डीजल या पेट्रोल का वो नहीं बेचा जाएगा उनकी कंट्रीज में। नेक्स्ट, What is the name of joint military exercise that involves Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force and the Indian Coast Guard? Answer is Sagar Kavach. इसमें चारों के चारों जो हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं। असमी आपकी एक आपकी मशीन गन थी, उसको तो हम वैसे ही निगलेक्ट कर रहे हैं। सी विजिल और सागर अन्वेषिका भी इसमें चारों नहीं होते हैं, सागर कवच में चारों होते हैं। तो ऑप्शन डी इज दी आंसर, और आंसर ये भी इसका ऑप्शन डी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, IWWAGE refers to initiative for what works to advance women and girls in the economy. ठीक बात है, ऑप्शन बी इज दी आंसर। अभी काफ़ी न्यूज़ में था जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, डिफरेंट बीजिंग डिक्लेरेशन को अभी रिसेंटली 25 अराउंड 30 ईयर्स हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये, तो ऑप्शन बी इज दी आंसर, और ऑप्शन बी ही आंसर आपका आंसर की में भी दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका, टेरेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टच द डेड सी। देखो डेड सी बेसिकली है तो आपका जॉर्डन और इसराइल के टेरेटरी के बीच में, बट फलस्तीन इज ऑल्सो द टचिंग कंट्री, तो जो टचिंग कंट्री नहीं है वो है आपका लेबनन, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्रिप्टो वायर अ ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप दैट इज स्पेशली बिजनेस यूनिट ऑफ टिकर प्लांट announced the launch of India's first index of cryptocurrencies IC15, which is a rule based broad market index by market capitalization, that is the true statement. Next, the IC15 tracks and measures the performance of the top 15 widely traded liquid cryptocurrencies listed on the leading crypto exchanges of the world, the company stated. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि काफी ज्यादा, एक तो लेंथी है, ऊपर से कई बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होता, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, दोज क्वेश्चंस आर जनरली करेक्ट, दोज क्वेश्चंस आर जनरली ट्रू स्टेटमेंट्स, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि हाँ ठीक है, दोनों को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो जो स्टेटमेंट्स बड़ी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक दे रखी होती हैं, बट नॉट फॉर दी 100% केसेस, बट 90% केसेस ऐसे रहते हैं कि जिनमें आपको चीज़ें ठीक दे रखी होती हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर भी है कि करेक्ट पूछा हुआ है आपसे, और आंसर की में भी जो इसका आंसर है दैट इज सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, डैश हैज सरपास्ड US चिप मेकर इंटेल टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मेकर बाय रेवेन्यू इन 2021। ये भी रिसेंटली न्यूज में तो नहीं था, बट 2021 में ये न्यूज में था, दैट इज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, 2022 के शुरुआती टाइम में ये न्यूज में था, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, और ऑप्शन बी ही इसका आंसर की में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, डैश हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। अभी रिसेंटली चाइना को सरपास किया है आपका USA ने,
यूएसए वॉज दी सेकेंड कंट्री, बट नाउ यूएसए और इंडिया के बीच में जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इंडिया और यूएसए अब ज़्यादा करीब हैं एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। तो ऑप्शन बी इज़ दी आंसर, और ऑप्शन बी ही इसका आंसर आपको दिया भी हुआ है आंसर की में। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट इन 2024 टू स्टडी व्हाट लाइज बिलो इट्स सरफेस। देखो, मार्स पर हम बेसिकली अभी भेजना चाहते हैं, हम भेजेंगे भी। अभी हमारा जो मिशन मंगलयान मिशन है वो गया हुआ है। अभी वीनस के लिए हम शुक्रयान भेज रहे हैं। जुपिटर और सैटर्न का जो सरफेस है वो तो है ही नहीं ना, बिकॉज दीज आर द गैशियस प्लैनेट्स, तो उनके सरफेस के नीचे कोई चीज़ है ही नहीं, दीज ऑल आर द गैशियस प्लैनेट्स। तो मार्स का नहीं है अभी हमारा 2024 में भेजने का कोई भी प्लान, बट येस वी आर प्लानिंग फॉर द स्टडी ऑफ वीनस। तो ऑप्शन बी टू ओनली इज द आंसर। देखो, या तो टू ओनली हो सकता है या वन ओनली हो सकता था, बट 2024 आपको डिफाइन कर रहा है कि हम किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी वीनस इज द आंसर, और आंसर की भी इसका ऑप्शन बी टू ओनली ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, द डेविस कप वॉज वन बाय रशियन टेनिस फेडरेशन बाय 2-0 लीड ओवर क्रोएशिया इन द डेविस फाइनल कप इन मैड्रिड। ठीक है, मेडवेडेव डिफीटेड मैरिन क्लीक इन द सेकेंड सिंगल्स मैच टू गिव रशियन इन इनसरमाउंटेबल 2-0 लीड ओवर क्रोएशिया एंड फर्स्ट डेविस कप टाइटल सिंस 2006। क्रोएशिया ऑल्सो वॉज सीकिंग इट्स थर्ड टाइटल आफ्टर ट्रायम्स इन 2005 एंड 2018। कैस्पर वॉज नेम्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका छोड़ने वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने डेविस कप को पूरी तरीके से फॉलो किया है तो बात अलग है, लेकिन जनरली हम लोग डेविस कप हो गया, नॉर्मल जो कप्स होते हैं उनको हम नहीं फॉलो कर पाते इतना ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे नॉर्मली पूरे टाइम न्यूज़ में रहते ही हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा लिवेबल क्वेश्चन कि जिसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि चार ऑप्शन है, आपको एक भी नहीं पता है अगर, तो आपका क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अगर हम वैल्यूएबल पर्सन की बात करें तो इसमें एंड्रे रूबलेव जो थे दैट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, कैस्पर नहीं थे। तो ऑप्शन फोर इज द इनकरेक्ट आंसर, 1, 2, 3 आर करेक्ट। बट यस, अगेन मैं वही कह रही हूँ कि आंसर की के हिसाब से ये हम बता रहे हैं कि फोर इज गलत, बट आप पेपर में बैठ कर ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती है ज़्यादातर। तो दिस क्वेश्चन वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो हम चांस ले भी लें, बट नेगेटिव मार्किंग में तो कितने हम चांस ले लेंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी इज दी आंसर, और यही आपका सही भी दिया हुआ। नेक्स्ट, असमीज पोएट नीलमणि फुकन जूनियर वॉन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड एंड कोंकण नॉवलिस्ट दामोदर मौजो वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये सही दिया हुआ है आपका। इंडियाज हाइस्ट लिटरेरी अवार्ड द ज्ञानपीठ इज बेस्ट आउट राइटर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। ठीक बात है, सेकंड तो सही है ही है, सेकंड चारों में दिया हुआ है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज अ लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड बाय दी भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन टू इंडियन राइटर्स एवरी ईयर। हर साल मिलता है, ठीक बात है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन चला जाता है हमारा। दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1950 एंड इज गिवन ओनली टू द वर्ल्ड राइटर्स हु राइट इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, क्योंकि हम लोग मेनली जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं सिर्फ उनको ही काउंट करते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं। तो फोर्थ जो है दैट इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट, और अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये चला जाता है हमारा। फर्स्ट तो हमारा सही है, क्योंकि नीलमणि फुकन को 56th मिला था अवार्ड, 57th मिला था आपको दामोदर मौजो को। तो ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 इज दी करेक्ट आंसर, और आंसर ये भी इसका आंसर सी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, माही रिवर इज दी ओनली रिवर दैट इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक बात है, इंडिया में तो एक ही रिवर है हमारी ये। भोपाल एंड गांधीनगर आर ऑल्सो लोकेटेड फेयरली क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक बात है, भोपाल और ये आपके आसपास ही हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 20 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 8 वाटर बॉडीज। देखो, इसका जो प्रॉपर नंबर है वो हमें अगर नहीं पता है तो दैट स्टेटमेंट कैन बी द डिजास्टर। तो 1 और 2 तो हमारे सही हैं, ये तो हमें पता ही है, तो अगर हमें 3 नहीं भी पता है तो भी उसको नेगलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली इज दी आंसर। अगर ये आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, इससे बिना भी आपका आंसर निकल जाता था। ऑप्शन सी है इसका आंसर, और आंसर ये भी इसका ऑप्शन सी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइलैंड हवाई बोर्नियो न्यू गिनी और सुमात्रा। तो आंसर इज न्यू गिनी। न्यू गिनी आपका हाईएस्ट आइलैंड, हम बात कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड वाइज। नेक्स्ट, द UNG recently passed a resolution that recognizes healthy environment as a human right. ठीक बात है,
As per the resolution, right to clean, healthy and sustainable environment has become a human right. ठीक बात है, first से second statement अपने आप infer की जा रही है. UNGA passed the resolution on July 28, 2022. देखो, one or two अगर सही है तो थर्ड हमें नहीं पता है अभी. इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन. इंडिया ने तो बल्कि सपोर्ट किया था दैट इंडिया इज इन द फेवर ऑफ ह्यूमन राइट इसको डिक्लेयर करने के. दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. फोर चला जाता है तो आपके तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन चले जाते हैं. वन और टू आपका सही है, वन टू एंड थ्री आपका सही है वैसे तो आंसर, क्योंकि 28 जुलाई 2022 को ही ये जस्ट पास किया गया था. तो आंसर इज वन टू एंड थ्री, ऑप्शन सी. और आंसर के भी इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है. अगेन दिस क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ ट्रिकी क्योंकि इसमें डेट्स पर बात की गई है. नेक्स्ट, डैश विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1st of December 2022 टू 30th of November 2023 एंड द G20 समिट विल बी हेल्ड इन 2023. इसका आंसर है आपका इंडिया, और इंडिया ही आंसर दिया भी हुआ है इसमें. हमने देखा था इंडिया, इटली और इंडोनेशिया, इन तीनों की अभी जो आप कह लो कि G20 की ट्राइनिटी है अभी, कि पहले इटली के पास थी, फिर इंडिया के पास आएगी, इंडोनेशिया के पास जाएगी. तो अभी जो है इटली से इंडिया ने जो मेंबरशिप है वो ले ली है. ठीक, नेक्स्ट. रिसेंटली द हैदराबाद डिक्लेरेशन वॉज इन न्यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ई गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इक्विटी. इसका आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए, ई गवर्नेंस. और आपका आंसर भी इसका ई गवर्नेंस ही है, सही दिया हुआ है. हैदराबाद में रिसेंटली मीटिंग हुई थी जहां पर ये बोला गया था कि अगर इंडिया को आपको चलाना है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. लोगों तक आप स्मार्टफोन्स, लोगों तक आप कनेक्टिविटी वो पहुंचाओगे, तभी जाकर जो है अल्टीमेटली चीज़ें बेटर हो पाती हैं. तो ऑप्शन ए इज दी आंसर, और ऑप्शन ए ही आपका आंसर भी है. नेक्स्ट, GST वॉज पास्ड एज द 101st अमेंडमेंट एक्ट. इट केम इन टू फोर्स ऑन 1st of July 2017. ठीक बात है. जर्मनी इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST. जर्मनी नहीं था फर्स्ट कंट्री, इट वॉज फ्रांस. तो ऑप्शन टू इज इनकरेक्ट. तो ये चले गए आपके दो तीन ऑप्शंस, आंसर रहेगा आपका वन एंड थ्री ओनली. अमिताभ बच्चन, यस, वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GST. तो ऑप्शन सी इज, ऑप्शन ए इज, बी इज द आंसर. और आंसर की भी इसका ऑप्शन बी ही आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बी सुपरसीडेड और कैप्ट अंडर सस्पेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ऑफ इट्स प्रेसिडेंट डिफॉल्ट, ऑफ नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, ऑफ देयर बीइंग अ स्टेलमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और बोर्ड ऑफ और फंक्शंस ऑफ द बोर्ड. देखो, तीनों ही केस में बेसिकली आपके जो कॉपरेटिव सोसाइटी है उसको हम लोग सर सुपरसीड कर ही सकते हैं उसके बोर्ड को. मतलब ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली आपका कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट से आया हुआ है, क्योंकि पेपर ही आपका कॉपरेटिव सोसाइटीज का था. ठीक है, तो आंसर इज वन टू एंड थ्री ओनली. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट, डैश हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकेंड ईयर. कतर्स हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यस, दिस हैज बीन द बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब इन कंसेक्यूटिव. तो ऑप्शन ए इज द आंसर, और ऑप्शन ए ही आपका इसमें आंसर दिया भी हुआ है. नेक्स्ट, विच इज दी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पूरा स्कीम. पूरा स्कीम है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्बन जो अमेनिटीज हैं वो हम प्रोवाइड करें टू द रूरल पीपल. तो यस, टू प्रोवाइड अर्बन अमेनिटीज इन द रूरल एरियाज, ऑप्शन बी इज द आंसर, जिसको हम लोगों ने अल्टीमेटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के रूप में भी नया एक रूप दिया था. पूरा वॉज दी आप कह लो कि प्रीडेसेसर ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन. तो यस, दैट स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन आपका बी आंसर की में आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर, मेटी, पावर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. इसका आंसर आपका दिया हुआ है वन एंड टू, क्योंकि अगर हम बात करें किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए. इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो मेटी भी होना ही चाहिए. तो वन और टू ही है मेनली आपका. तो ऑप्शन ए, वन एंड टू इज द आंसर, और यही आपका आंसर भी. नेक्स्ट है आपका, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन. CRR जब इंक्रीज किया जाता है तो बेसिकली ज्यादा जो पैसे हैं वो बैंक्स को RBI पर डिपॉजिट करवाने होते हैं, तो बैंक्स के पास पैसे कम रह जाते हैं. द कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, नहीं, द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड, क्योंकि सारे पैसे तो बेसिकली सारे CRR को डिपॉजिट करवाने में ही लग गए. तो ऑप्शन बी इज दी आंसर, और ऑप्शन बी ही आपका आंसर की में आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. अनलाइक कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय RBI. दे आर काइंड ऑफ रेगुलेटेड बाय RBI बट नॉट इन द सेम मैनर. इन द इवेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स फेल, डिपॉजिट
with them are covered by the registrar of cooperative societies, either under the state or central government. Okay. Cooperative banks are structured as cooperatives with their members carrying unlimited liability. देखो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी कुछ गलत हैं कुछ सही हैं. पूछा क्या है आपसे बेसिकली द इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट पूछा आप लोगों से बेसिकली. तो जो थर्ड है वो तो आपका करेक्ट है कि जो अल्टीमेटली है दे आर स्ट्रक्चर्ड एज कोऑपरेटिव्स विद देयर मेंबर्स कैरिंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. जो आपके जितने मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन्होंने बनाए हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है. दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये दो जो है गलत हैं क्योंकि दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई. दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई मे बी नॉट इन द सेम मैनर बट दे आर रेगुलेटेड. तो ये गलत स्टेटमेंट है आपकी. और ये वाली भी गलत है आपकी कि अगर ये फेल हो जाती हैं तो इनसे रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी से जो है अल्टीमेटली हम लोग डिपॉजिट्स लेते हैं. ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है. तो वन और टू गलत है और आंसर ए है इसका. और आंसर के भी इसका ऑप्शन ए आंसर दिया हुआ है. ठीक. नेक्स्ट द शांता कुमार कमेटी इज रिलेटेड टू सजेस्ट मेजर्स टू अचीव एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसकी हम बातें नहीं करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की. तो सजेस्ट मेजर्स टुवर्ड्स डबलिंग फार्मर्स रियल इनकम. ये थी आपकी वालदाई कमेटी. रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म्स ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके. एंड रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016. देखो नॉर्मली जो आपका FCI था ना उसमें जितने भी करप्शन के केसेस थे उनको देखते हुए कमेटी बिठाई गई थी कि देखिए कि FCI अपना बढ़िया काम जो है अपना काम बढ़िया तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है. तो उसको देखते हुए कुछ मेजर्स को रिफॉर्म्स को लेकर आने के लिए कुछ मेजर्स को उठाने के लिए चीज़ें मतलब लेकर आई गई थी. उसमें से एक थी शांता कुमार कमेटी आपकी. तो ऑप्शन सी इज द आंसर और ऑप्शन सी ही आंसर की में आपका आंसर गिवन है. ठीक है. यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं 80 क्वेश्चंस. इसमें एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमें डाउट है वो हम देख लेंगे एक बार. हम सजेशंस भी PPSC को सेंड कर देंगे. आप लोग भी सेंड कर दीजिएगा. और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत फैक्चुअल थे. बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पूछे हुए थे. तो जो एनालिसिस है बेसिकली वो यही है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट के प्लेन पर ये जाता है. तो जो कट ऑफ है वो भी इसके हिसाब से डिसाइड ब्लास्ट में की जाएगी. आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए और आपको लगता है कि वो आंसर होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो. उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक बार कि वो सही कह रहे हैं आप या नहीं कह रहे हैं विद द इनफ एविडेंसेस. तो आप आई एम होपिंग कि आपका रिजल्ट जो काफ़ी अच्छा आएगा. फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना. ठीक है. फिर ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੋਕੇਫਲਾ ਸਿਚੁਏਟਿਡ. ਤਾਂ ਬੋਕੇਫਲਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀ. ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੋਕੇਫਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਬੋਕੇਫਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਿਆਦਸਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਿਆਦਸਪਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮਾਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਯੁੱਧ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਬੋਕੇਫਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ. ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਜੇਲਮ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੋਟ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ. ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ. ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ. ਟੂ ਵਿਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਵੂਮਨ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਿਲੋਂਗ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. 40 ਮੁਕਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 40 ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨ ਮਾਈ ਭਾਗੋ.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 40 ਮਤਲਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੱਬਲ ਕਲਾਂ ਔਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਵਾਜ ਖਾਂਗੀ ਹੈਡਵਰਕਸ ਬਿਲਟ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਟਿਡ 3 million ਏਕਰਸ ਆਫ ਬੈਰਨ ਲੈਂਡਸ ਇਨ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਚਨਾਬ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਂਗੀ ਹੈਡਵਰਕਸ ਬਿਲਟ, ਖਾਂਗੀ ਹੈਡਵਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਰਾਈਟਰਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੋਵਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪਿੰਜਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨਾਵਲ ਪਿੰਜਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਪਿੰਜਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਆਂਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਆਂਸਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੂਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੈਰੂਦੀਨ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਰੁਬਾ, ਚਿਮਟਾ, ਅਲਗੋਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਹੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਰਾਵਣ ਹੱਥਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 6। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।